आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके जो कन्फ्यूज़न है, हमने कोशिश की है कि इन सवालों को लेकर आपके जितने कन्फ्यूज़न हैं वो दूर करें। ठीक है, मेथड वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। आगे कुछ चेंज अगर होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सर्किट दिख रहा है, इसमें करंट आई हमें निकालना है। ठीक है, अब करंट आई, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट आई इस करंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगेन हम सबसे पहले यहाँ पर किस विधि का इस्तेमाल करें, KVL या मैश एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैश एनालिसिस से ही बना सकते हैं और नोडल एनालिसिस से ही बना सकते हैं, लेकिन हम KVL से शुरू कर रहे हैं। ठीक, अब इस वाले सर्किट में आप देख पा रहे हैं कि तीन मैश बन रहे हैं। तो तीन मैश हैं, जैसे कि पहले अपन ने किया था, तीन मैश के अनुसार तीन मैश करंट होने चाहिए। तो मैश करंट सबसे पहले ये I1 मैंने एज्यूम किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर उसके बाद यहाँ भी करंट मैंने एज्यूम किया, ये I2 है। ठीक है, दो मैश हो गए, दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को मैंने एज्यूम किया है। अब ये तीसरा मैश है, यहाँ भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लूँगा और इस करंट का नाम मैं ले लेता हूँ I3। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमें एज्यूम करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट को लें। ठीक है, तो सबसे पहले लूप वन को ले रहे हैं हम, लूप वन। तो लूप वन में मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, अब यहाँ पर 100 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है, तो 100 वोल्ट का सोर्स है तो मैं लिखूँगा 100 इक्वल्स टू, अब उसके बाद इसमें जो भी जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही KVL है। सबसे पहले 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 10 ओम्स के रेजिस्टेंस में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1। ठीक, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस का I1। ठीक, फिर उसके बाद भी 10 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा है, अब इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस में क्या है, दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक I1 और एक I3। तो मेजर करंट क्या है मेरा, I1। तो मैं सबसे पहले I1 लिखूंगा और उसके बाद दूसरा मैश करंट I3। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पर तीसरे 10 ओम्स के रेजिस्टेंस में मेरा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, मेजर करंट क्या है I1, क्योंकि मैं लूप वन को एनालिसिस कर रहा हूँ, और उसके बाद दूसरा माइनर करंट क्या है I2। ठीक है, तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, 100 वोल्ट्स, एक सोर्स लगा हुआ है 100 वोल्ट्स का, तो वोल्ट्स मैंने एक तरफ ले लिया, तो उसका तीन रेजिस्टेंस लगे हैं 10-10 ओम्स के, तो 10 ओम्स का पहला रेजिस्टेंस 10 I1, क्योंकि उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर I1 ही मेरा करंट I है जिसको मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस में अगेन I1 मेजर करंट है, और दूसरा मैश करंट I3 भी उसी में से पास हो रहा है, इसलिए I1 माइनस I3। ठीक, फिर तीसरा 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस मेजर करंट है I1, और दूसरे मैश का लूप करंट I2 माइनस। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे मिलेगा 100 इक्वल्स टू 10 I1 प्लस 10 I1 माइनस 10 I3 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2। अब 100 इक्वल्स टू Y1 वाले टर्म में जोड़ लेता हूँ तो मुझे तीन मिले हैं, 30 I1 माइनस 10 I2 दूसरा, और ये तीसरा माइनस 10 I3। ये पहला लूप इक्वेशन मेरा बन गया। ठीक है, अब दूसरे लूप इक्वेशन में आते हैं। दूसरा लूप इक्वेशन क्या है, यहाँ पर
ये प्लस है और ये माइनस है, और करंट मैंने ऐसा एज्यूम किया है, इसलिए यहाँ पर माइनस 50 वोल्ट लूँगा। पहले वाले लूप में माइनस टू प्लस करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया था। यहाँ पर प्लस से माइनस में फ्लो हो रहा है करंट, जो मेरा एज्यूम करंट है I2, इसलिए मैं माइनस 50 वोल्ट लूँगा। ठीक है, माइनस 50 वोल्ट के बाद आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस के लिए क्या मिलेगा मुझे, 10। और मेजर करंट क्या है, I2, और इसके साथ में दूसरा मेश करंट कौन सा आ रहा है, I1। ठीक है, फिर उसके बाद अगला 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, ये वाला, इसमें अगेन मेजर क्या है, I2 करंट है, क्योंकि मेश 2 का एनालिसिस कर रहे हैं हम। और साथ में तीसरा मेश करंट माइनस में, ठीक, दोनों करंट का अंतर वहाँ पर मिलेगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करता हूँ, तो माइनस 50 वोल्ट 10 I2 10 I1 10 I2 10 I3, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 50 इक्वल्स टू, सबसे पहले 10 I1, फिर उसके बाद 2 I2 हैं, 20 I2 माइनस 10 I3। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया मैश 2 का, लूप 2 का इक्वेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगेन तीसरे लूप के इक्वेशन में, तो तीसरे लूप के लिए लूप 3। अब इस वाले लूप में अपन देखेंगे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल्स टू, अब 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, I3 करंट, 10 I3 प्लस, फिर अगला कौन सा आ रहा है, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस मेजर करंट क्या है, I3 माइनस मैश करंट 2। ठीक है, फिर इसके बाद ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस अगेन आ रहा है, तो फिर से 10 ओम्स का रेजिस्टेंस, तो प्लस 10 मेजर करंट क्या है, I3, और इसके साथ में लूप करंट कौन सा है, I1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू 10 I3 प्लस 10 I3 माइनस 10 I2 प्लस 10 I3 माइनस 10 I1। ठीक है, तो आप सबसे पहले I1 लिखेंगे, तो 10 माइनस में है, माइनस 10 I1 ये हो गया, फिर उसके बाद I2 वाला माइनस 10 I2 ये भी हो गया, फिर उसके बाद I3 हैं 1, 2, 3 प्लस 30 I3, ये इक्वेशन नंबर मेरा लूप 3 का हुआ। ठीक, तो हमें तीन लूप के तीन इक्वेशन मिल गए हैं। ठीक, अब इन तीन लूप इक्वेशन को हमें हल करना है, और सॉल्व करके मैं करंट I ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लूप इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, तो पहला लूप इक्वेशन 100 इक्वल्स टू 30 I1 माइनस 10 I2 माइनस 10 I3, ये मेरा पहला लूप इक्वेशन है। दूसरा लूप इक्वेशन, माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 10
आई वन प्लस 20 आई टू माइनस 10 आई थ्री, ये मेरा दूसरा लूप का इक्वेशन है। और तीसरा लूप का इक्वेशन जीरो इक्वल्स टू माइनस 10 आई वन माइनस 10 आई टू प्लस 30 आई थ्री, चेक कर लें 38। तो ये मेरा तीसरा लूप का इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां से मुझे I1 निकालना है, फिर से ध्यान देने की बात है, I1 इक्वल्स टू I ही मेरा करंट है जो डिजायर्ड करंट है या जो मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 10 I2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो 10 I2 की वैल्यू निकालना है तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10 I2 इक्वल्स टू माइनस 10 I1 प्लस 30 I3, और I2 इक्वल्स टू माइनस 10 I1 अपॉन 10 30 I3 अपॉन 10। तो मुझे I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस I1 प्लस 3 I3, ठीक है। अब ये मेरा चौथा हुआ, ठीक। अब इस चौथे इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, इस चौथे इक्वेशन को इन दोनों में डाल दूंगा, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन वन एंड टू, ठीक। तो सबसे पहले वन में डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 100 इक्वल्स टू 30 I1 माइनस 10। अब I2 की वैल्यू क्या है, माइनस I1 प्लस 3 I3 माइनस 10 I3, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 100 इक्वल्स टू 30 I1 प्लस 10 I1, यहाँ पे माइनस 10 है और इधर पे माइनस I1 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर माइनस 30 I3, अब ये माइनस इंटू प्लस किए तो अगेन माइनस ही मुझे मिलेगा, 10 इंटू 3 30, ठीक, माइनस 10 आई थ्री, और सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा 100 इक्वल्स टू 30 आई वन 10 आई वन 40 आई वन माइनस 40 आई थ्री, ये इक्वेशन नंबर मेरा 5 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ मैं, तो माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 10 I1 प्लस 20, अब I2 की वैल्यू रखना है तो I2 की वैल्यू माइनस I1 प्लस 3 I3, माइनस I1 प्लस 3 I3, ट्वेंटी आई टू माइनस 10 आई थ्री। अब सिंप्लीफाई करने पर माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 10 आई वन माइनस 20 आई वन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 20 इंटू वन 20 माइनस 60 आई थ्री, प्लस इंटू प्लस तो ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस 60 I3, 23 का 60 माइनस 10 I3, तो जैसे मुझे क्या मिलेगा, माइनस 50 इक्वल्स टू 10 एंड 20 30 I1, और 60 माइनस 10 50
I3, ये इक्वेशन नंबर मेरा 6 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 6 तो मुझे मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं, तो 100 100 इक्वल्स टू 40 I1 माइनस 40 I3, ये इक्वेशन नंबर मेरा 5 है। और छठा इक्वेशन तो अभी ऊपर दिख ही रहा है, 50 इक्वल्स टू माइनस 30 I1 प्लस 50 I3। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे, चूँकि पहले मुझे पता है कि मुझे ये I1 निकालना है, I1 ये मेरा करंट I है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से इस वाले इक्वेशन से I3 को एलिमिनेट करना है। तो I3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं ये मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो नीचे वाले इक्वेशन में मैं 40 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा और ऊपर वाले इक्वेशन में 50 का। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू 20 I1 माइनस 20 I3। और छठा इक्वेशन मेरा क्या होगा, छठा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 12 I1 माइनस 20 I3, ये प्लस में है। ठीक, अभी दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, माइनस 2000 है I3 और ये प्लस 2000 I3 है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक, अब मुझे क्या मिलेगा, 5000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 2000 I1 माइनस 1200 I1। ठीक है, तो ये हो गया 3000 इक्वल्स टू 800 I1 और I1 इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाय 800। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर उसके बाद 2 4 8 215, तो 15/4 एम्पियर। और ये क्या है, यही मेरा करंट, अननोन करंट आई है जो मुझे निकालना था। ठीक है, तो मेरा आई 15.4 एम्पियर का मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, आई इक्वल्स टू 15/4 एम्पियर, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब फिर से दोहरा लेते हैं। अब इस वाले सर्किट में सबसे पहले हमें देखना है कितने लूप बन रहे हैं, कितने मैश बन रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 लूप बन रहे हैं, तो मैं 3 लूप इक्वेशन निकालूंगा, लूप 1 का इक्वेशन, लूप 2 का इक्वेशन और लूप 3 का इक्वेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन मैंने निकाल लिए। अब मैं तीनों इक्वेशंस को देखने के बाद अभी 3 इक्वेशन मिले, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है I1 ज्ञात करना, ये I1 मेरा टारगेट है। ठीक है, तो मैं तीसरे इक्वेशन से शुरू करूंगा, एक वैल्यू को एलिमिनेट करूंगा। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि I2 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो I2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं तीसरे इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकाल के और फिर पहले दो इक्वेशन में मुझे रखना है। पहले दो इक्वेशन पर रखने पर मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करने पर, अब यहाँ पर मैं I1 को भी एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन I1 मेरा टारगेट है,
इसलिए मैं I3 को एलिमिनेट करने के लिए उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे यहाँ 50 है तो 50 ऊपर पाँचवें नंबर के इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया और नीचे 40 से मल्टीप्लाई किया, जिससे I3 एलिमिनेट हो गया। I3 एलिमिनेट होने पर मुझे I1 या I की वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कि डिजायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।